नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं लाडली बहन आवास योजना के बारे में। सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा, पहली किस्त में जो है 25,000 रुपये जो है मिलेंगे इसमें। तो पूरी जानकारी इसमें हम वीडियो में देंगे आपको, कैसे कैसे आवेदन करना, किन किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन इसमें पात्र रहेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी जाएंगी और कब तक ये पैसा जो आपके अकाउंट में आएगा। तो वीडियो में जुड़े रहें अंत तक, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, एक भी टॉपिक मिस मत करना। आपको भी मिल सकते हैं ये लाडली बहन आवास योजना में जो 25,000 रुपये की पहली किस्त। चैनल पर नए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। चलो देरी ना करते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेंगी जो है पहली किस्त 25,000 रुपये। लाडली बहन आवास योजना की जो है ऑनलाइन लिस्ट जारी। इसमें क्या होगा, सरकार जो है राज्य सरकार के द्वारा जिन परिवारों के लिए जो पीएम आवास योजना का जो है लाभ नहीं मिला है, ऐसे परिवारों को जो है महिलाओं के लिए जो है लाडली बहन योजना के अंतर्गत आवास योजना की जो सुविधा दी जाने वाली है, जिनको जो है पीएम आवास योजना नहीं मिला उनके लिए। लाडली बहन आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो महिलाएं पात्र थी, उन्हें वर्ष 2023 के अंतर्गत ही अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए थे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान जो है लाडली बहन आवास योजना का जो है लगभग 5 लाख रुपए से जो है 5 लाख से अधिक जो है महिलाओं को जो है आवेदन पत्र इकट्ठे हुए हैं। 5 लाख फार्म भरे गए थे। राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहन आवास योजना 2024 की जो है सभी आवेदकों को जो है महिलाओं के लिए जो है आश्वासन दिलाया गया है कि 2024 में इनके लिए जो है इस आवास योजना के तहत पक्का मकान की जो है सुविधा दे दी जाएगी। 2024 में जो है पक्के मकान की जो है इनको सुविधा दे दी जाएगी। लाडली बहना जो है आवास योजना लिस्ट क्या है इसमें बात कर लेते हैं। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी किए जाने पर जो है सरकार के द्वारा इस योजना के जो है बेनिफिशियर जो है लिस्ट को जो है भी जारी करवा दिया गया है, जिसमें उन सभी महिलाओं के जो है नाम उपलब्ध करवाए गए हैं जिनके जो है पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाना है। जिनका कच्चा मकान और पक्के मकान का जो है कार्य शुरू करवाना, उनके लिए जो है जारी करवा दी गई है लिस्ट। लाडली बहन आवास योजना की जो है बेनिफिशियर जो है लिस्ट को है जो है योजना की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है पिछले 6 महीने के दौरान जो है जारी करवाया गया है तथा जिन आवेदक महिलाओं ने अभी तक जो है लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया है, उनके लिए यह जो है कार्य अवश्य रूप से पूरा करना चाहिए। उन्होंने अपना जो है लिस्ट में नाम देख लेना चाहिए। लाडली बहन आवास योजना लिस्ट जिलेवर जो है लाडली बहन आवास योजना की जो है बेनिफिशियरी लिस्ट को जो है सभी जिलों की जो है महिलाओं के लिए जो है अलग अलग जारी करवाया गया है, ताकि महिला अपने जिले की लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाए तथा उनके लिए जो है राज्य स्तर पर जो है सूचना देखनी पड़े अपना नाम चेक करके। इस योजना के जो है जलेश्वर जो है बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करने के लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्थायी पते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का चयन करना होगा। इसके बाद आप अपना आसानी से जो है जिले एवं अपने क्षेत्र की जो है सूचना में अपना नाम चेक कर सकेंगे। जिले से जो है आपको अपना नाम ढूंढने में आसानी होगी, जिला गांव का नाम वगैरह डाल के जल्दी से ढूंढ लेंगे। इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई जो है लाडली बहन आवास योजना की बेनिफिशियरी जो है लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन महिलाओं का नाम जो है इस बेनिफिशियरी लिस्ट में उपलब्ध करवाया गया है, केवल उन्हीं महिलाओं के लिए जो है योजना के लाभार्थी किए जाने वाले हैं। जो इस लिस्ट में नाम है जिनका, उन्हीं को लाभ मिलेगा। अगर आपने भी जो है मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में जो है योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, परंतु बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम किसी कारण की वजह से दर्ज नहीं किया गया जा सकता है, तो आपके जो लिए आवेदन पत्र की जांच करनी चाहिए। आपको अपने अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप उसका सुधार करा सकते हैं। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। लाडली बहन आवास योजना का लाभ, जो महिला आवेदन पूरा करके जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में भी अपना नाम चेक
कर चुकी हैं वे महिलाएं अब इंतजार में हैं कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द जो है पक्का मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए ताकि योजना की जो है लाभार्थ हो सके, लाभ ले सके। लाडली बहना आवास योजना की पंजीकृत महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही पक्का मकान निर्माण की जो है लिए जो है पहली किस्त दी जाने वाली है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आधार पर यह जानकारी मिली है कि इस योजना की जो है पहली आर्थिक किस्त को जून माह में के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, जून के अंत तक इसमें डाल दिया जाएगा। लाडली बहन आवास योजना लिस्ट चेक कैसे करेंगे, आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद लाडली बहन आवास बेनिफिशियरी जो लिस्ट को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाने के बाद महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आप बेनिफिशियरी सेक्शन को जो है सिलेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी सेक्शन में अपने लिए जो है जानकारी महत्वपूर्ण जो है लिस्ट में लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करने के बाद अपने लिस्ट में जो है जाने के बाद अपने जिले का नाम और ग्राम का नाम डाल के इस तरीके से आप अपना जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।